हाईवे पर रोते हुए इस नौजवान का दर्द देखिए। नोएडा और गाजियाबाद से पैदल आते इन युवाओं की तकलीफ समझिए। भूखे प्यासे इन लोगों को सहारा देने के लिए कोरोना के संकट काल में मददगार बनकर सामने आई समाजवादी पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में सपा के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद बढ़ चढ़ कर संकट की इस घड़ी में देशवासियों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव के करीबी समाजवादी पार्टी के MLC राजेश यादव राजू और उनके साथ युवाओं की टीम पिछले कई दिनों से गरीबों, जरूरतमंदों, मजदूरों और यात्रियों को भोजन के पैकेट वितरित कर रही है। खुद अपनी निगरानी में MLC राजेश यादव राजू ताजा भोजन तैयार करवाते हैं, उसकी पैकिंग करवाते हैं और खुद अपने सामने जरूरतमंदों को बटवाते हैं, अपने हाथ से भी बांटते हैं। इसी तरह कानपुर के बिल्हौर विधानसभा की महिला नेता रचना सिंह हाईवे पर बेहाल मजदूरों की मदद में पिछले कई दिनों से जुटी हैं। अपने घर में अपने सामने भोजन तैयार करवाना, उसे पैक करवाना और अपने निजी वाहन पर भोजन के पैकेट ले जाकर दिन भर मजदूरों को बांटना, जरूरतमंदों को बांटना और उनकी समस्या सुनकर सरकारी अधिकारियों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना। पिछले कई दिनों से कानपुर की समाजवादी पार्टी की महिला नेता रचना सिंह का यही दिनचर्या है। थोड़ी दूर और बढ़ते हैं तो इटावा जनपद के सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव और उनकी पूरी टीम सक्रिय दिखाई देती है। इटावा से गुजरने वाले आगरा एक्सप्रेसवे और कानपुर हाईवे पर कई स्थानों पर इटावा के सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के नेतृत्व में उनके कई कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने वाहनों में राहत सामग्री लादकर हाईवे पर घूम घूम कर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कई स्थानों पर भोजन के स्टॉल लगाकर इटावा के सपा कार्यकर्ता भूखे राहगीरों, मजदूरों और जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं। इटावा जनपद के सभी क्षेत्रों में जहां भी जरूरतमंद लोग हैं वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। प्रयागराज में भी सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों की मदद में हाथ बढ़ाया है। प्रयागराज के सपा नेता यथार्थ केशरवानी लगातार अपने निजी संसाधनों से जरूरतमंदों की मदद के लिए निकल रहे हैं। प्रतिदिन भोजन के पैकेट और अन्य जरूरी सामानों के साथ अपने वाहन से निकलते हैं, दिन भर लोगों की मदद करके शाम को अपने घर पहुंचते हैं। सत्ता में न होते हुए भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से पीड़ित प्रभावित लोगों के पक्ष में सामने आकर मदद का हाथ बढ़ाया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। संकट की इस घड़ी में अपने देशवासियों की मदद में देश के सभी संवेदनशील लोगों आगे आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर जो वास्तविक समाजवादी हैं वह सक्रिय हो गए हैं। वहीं तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए बहुत लाभ कमाया है, वह अभी भी खामोश हैं, अपने घरों में आराम कर रहे हैं। उनसे भी हमारी गुजारिश है कि समाज की मदद में आगे आएं और बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करें। देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब यह मौका है कि आप भी देश को कुछ लौटाएं। प्रदेश के कमजोर भाई बंधुओं की मदद करें। समाजवादी पार्टी के लोगों की यह पहल काबिले तारीफ है। सभी दलों, सभी विचारधाराओं से जुड़े हर सक्षम व्यक्ति को इस समय अपने देश के लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।